खबरों का रुख करेंगे। दो दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ग्राम सकरिया के चोपरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। राज्यपाल के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पहले गरीब लोगों को बरसात में चार चार दिन तक जागते हुए रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन अब मोदी सरकार में हर गरीब को पक्का आवास मिल गया है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब महिला को गैस से खाना बनाने की सुविधा सरकार ने दी है। राज्यपाल ने कहा कि भारत अब विकसित देश बनने की और आगे कदम बढ़ा रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज हर गरीब जो पात्र है उसको शासन की हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सामने आदिवासी बच्चों ने स्केटिंग के करतब भी दिखाए। इनमें से एक बच्ची विदेश में भी प्रदर्शन कर चुकी है। गुजरात में बहुत काम किया, यहाँ मैं आया तभी मालूम पड़ा कि 8.5 करोड़ में ट्राइबल का पॉपुलेशन, ट्राइबल की बस्ती 2011 की बात छोड़, अभी 1,54,00,000 थे, अगर अभी की मैं जानकारी जानता हूं कि 1,83,00,000 अभी 9.5 करोड़ जैसे लगे होंगे, मगर इसमें 1,83,00,000 यानी 2 करोड़ से नजदीक। ट्राइबल को मालूम नहीं सिकल सेल एनीमिया क्या है। यात्रा में आज महामहिम राज्यपाल जी पन्ना जिले के सकरिया पंचायत में और जनबार में आज वो सम्मिलित हुए हैं। हम सौभाग्यशाली है कि महामहिम राज्यपाल जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन। कोटी के बच्चों से भी आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखा है महामहिम राज्यपाल जी ने भी, और बच्चों को भी बहुत बधाई। और पन्ना का नाम पूरे देश के अंदर हमारे जनवार के स्केट बॉर्डर के बच्चे जो कर रहे हैं, हीरा हीरा। पहले तो काफ़ी अच्छा लगा हमें कि वो यहाँ पर आए और हम सबको बहुत खुशी हुई। हम बच्चे भी सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए कि राज्यपाल जी आ रहे हैं हमारे गांव पे। और उन्होंने जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें बोली हैं वो हम मानते हैं कि वो चीज़ें ज़रूरी है हम लोगों के लिए, भले हम स्पोर्ट्स पे करें लेकिन हमें पढ़ाई। आज क्या करके दिखाया आपने इसके? हम लोगों ने स्केटबोर्डिंग करी बच्चों ने सबने, और जितना सीखा है मतलब अपना पूरा बेस्ट दिया कि उनको अच्छा लगे। टीम जी को डायमंड कैसे निकलता है और किन कंडीशन में पाया जाता है डायमंड, और डायमंड के पट्टे कैसे इशू किए जाते हैं, और डायमंड की चाल कैसे छान करके उनसे कैसे हीरा प्राप्त किया जाता है के बारे में माननीय महामहिम जी को बताया गया। बिल्कुल उनको पूरी प्रोसेस है माननीय जी को बताई गई है, और हीरा भी माननीय जी को।